फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ आज वसंत उद्यान पार्क में। फ्रेंड्स वहाँ पर आज कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, मैं उसका पूरा ब्लॉग दिखाऊंगी आपको। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज जा रही हूँ वसंत उद्यान पार्क में। फ्रेंड्स वसंत उद्यान पार्क वसंत विहार में है। फ्रेंड्स वहाँ आज कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं। इस कल्चरल प्रोग्राम में आसाम का फोक म्यूजिक एंड ट्राइबल फैशन शो होगा। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग तरह के कल्चर दिखाए जाएंगे। फ्रेंड्स ये ब्लॉग मैं दो पार्ट में बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने एक पार्ट में बनाया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। फ्रेंड्स मैं पहुंच गई हूँ बस स्टॉप में, यहाँ मैं बस का वेट कर रही हूँ और बस आ जाएगी। तो मैं पहुंच गई हूँ बस स्टॉप, मैं कर रही हूँ बस का वेट जल्दी। देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, वाओ नाइस। मुझे लग रहा है बारिश आने वाली है। फ्रेंड्स बारिश नहीं आनी चाहिए, वरना सारा प्रोग्राम कैसे तैसे हो जाएगी। फ्रेंड्स जल्दी से बस आ जाए और मैं बस में बैठूँ और मैं जल्दी से पार्क पहुँचूँ। फ्रेंड्स मुझे बस मिल गई है और मैं बस में बैठ गई हूँ, लेकिन जो डायरेक्ट बस जाती है वो मैं नहीं मिली और मैं उसका वेट भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही हूँ। इसलिए मैं बस में बैठ चुकी हूँ, लेकिन ये मैं हौसखास तक जाऊँगी इस बस में और फिर मैं हौसखास से दूसरी बस लूँगी। हाँ फाइनली मैं पार्क में पहुँच गई हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कौन सा गेट नंबर है, गेट नंबर ढूँढना पड़ेगा। देखती हूँ, पार्क भी बहुत बड़ा, पता ही नहीं कहाँ से एंट्री होगी। फ्रेंड्स में पहुंच गई हूँ। फ्रेंड्स मैं पहुंच गई हूँ पार्क में और मैं आपको यहाँ का पार्क का दृश्य दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये पार्क बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी बहुत ही सुंदर है। फ्रेंड्स चलिए आपको मैं थोड़ा सा पार्क की झलक के दिखाती हूँ, आपको इस पार्क को देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखो, ये जो फंक्शन हो रहा है वो कहाँ है? वहाँ पर हो रहा है, स्टार्ट ही होने वाला है। चलो फ्रेंड्स हमने किसी से पूछ लिया है, उन्होंने कहा है सीधा जाना है, अब हम सीधा चलते हैं। फ्रेंड्स देखा आपने लाइटिंग कितनी बढ़िया है इस पार्क में। फ्रेंड्स मैं पहुंच गई हूं जहां प्रोग्राम हो रहा है उसके आसपास, क्योंकि मुझे यहां पे प्रोग्राम की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अब मैं तो थक गई हूं पैदल चलते चलते। मेरे फ्रेंड्स सारे वेट कर रहे हैं और बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं मैं कहां पहुंची कहां पहुंची। फाइनली अब मैं अपने फ्रेंड्स से मिलने वाली हूं। मैं प्रोग्राम के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हूं। फ्रेंड्स चलिए आपको प्रोग्राम के कुछ झलके दिखाते हैं। I would like to thank again all the person behind this
वंडरफुल शो। भीड़ कम हो रही है। जी कृष्णा रेड्डी सर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड ओनर। मेघवाल जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर। मीनाक्षी लेखी मैम, मिनिस्टर ऑफ कल्चर। सेक्रेटरी कल्चर गोविंद मोहन सर, उमा नांदुरी मैम, महला सर एंड प्रहलाद सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट दिस वंडरफुल शो हियर, because without your support nothing is possible. And I'm really honored that thankful to all my dear audience for supporting us like this, and keep supporting us because we have another wonderful musical show again by Pakhi and Rinja, and then we again have the ethnic costume on Insan. So they were a Patani tribe from Zero Valley, then from Mizoram Luse dress, and again from Mizoram we had Thato dress, and we had Polo dress of Assam, and we have many more. We will introduce later. So I'm really excited. I think you all are excited with me for the next round. And but before that, we have this musical round again. बिहू आप लोगों को पता है? मैं आप लोगों के सामने दो लाइन बिहू गाऊंगी। बिहू क्या है? बिहू Thank you.
सॉन्ग एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ अमर सर जरूर आगे आए, मुझे अकंपनी करें एंड आप लोग सभी लोग साथ में गाएं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। दोस्त है उन लोगों को भी बताइए, क्योंकि कल कुछ और अनोखा होने वाला है।
हमारे पास फॉर टुमारो एंड अगेन वी लोग क्यों दिख रहे हैं। और ये प्रोग्राम ना बहुत देर तक चलने वाला था मगर और उम्मीद करते हैं कि कल भी होना है, तो इसलिए कुछ बहुत अच्छे अच्छे गाने हमने उन्होंने बचा कर रखे हैं जो बाकी भी गाएंगे। बाकी विशेष के बारे में हेमंत सिंघिया जी म्यूजिक डायरेक्टर बॉम्बे से हमारे अमर जी आए हुए हैं मिशन। और लास्ट में ये प्रोग्राम एंड करने से पहले मैं एक बार मेरे साथ सब मिल के तीन बार भारत माता की सब आओ, प्रोग्राम खत्म हो गया, हम सब अपने अपने घर चलेंगे ब्लॉग के लिए। बाइक से जा सकते हो, काफी हम मान लेंगे। बोलो वरना कुछ पैसे आना पड़ेगा। मैं घर जाऊंगी फ्रेंड्स, ये देखो साक्षी को कह रही है मेरे घर चलने वाला मेला लगा है और मुझे अपने घर जाना है। नहीं मेरे को नहीं बनाना ब्लॉग इतनी दूर जाकर, मैं तो अपने घर पर ही ठीक हूँ। अपने घर पे दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। तो फिर घर पे ही बैठे होते, यहाँ पे क्यों आए दाल रोटी खाने। कभी हमने वैसे भी आएंगे इस पार्क की, अभी देखने को नहीं मिला। एडिटिंग करने में कितना टाइम लगा? हाँ कल लगू, नहीं आप तो थोड़ी सी करूंगी बस। नहीं फॉलोअर कितने हो गए मेरे? ये वाला नहीं है, subscribe and like to this channel.